मेरी पिछले से पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे अपने लुक्स के ऊपर ऑब्सेस जब तुम करोगे तो तुम अनअट्रैक्टिव होंगे और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लुक्स सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होते हैं जो कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी डिसाइड करते हैं। लेकिन उस वीडियो का बड़े लोगों ने गलत मतलब लिया। कुछ लोगों ने ऐसा समझा कि मैं कह रहा हूँ कि लुक्स मैटर ही नहीं करते, और कुछ लोगों ने ऐसा समझा कि हाँ ये सही बोल रहा है, लुक्स मैटर नहीं करते। उन्होंने वही आगे से लिखा कि पैसा ज़रूरी होता है, फिज़िक ज़रूरी होती है, मगर जो हमारा फेस होता है, लुक्स, वो मैटर नहीं करते। और ऑफ कोर्स ये मतलब ये मेरा काम है तुम्हें क्लैरिफाई करना है ये चीज़, क्योंकि वो वीडियो असल में मैंने ही बनाई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे लुक्स मैटर करते हैं। नाउ आई नो इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग, बट तुम अगर वो वीडियो देख के ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा। तो तुम्हें पता है, तुम अगर किसी बंदे को पहली बार देखते हो, तुम्हें नहीं पता वो ऑक्यूपेशन क्या है उसकी, वो क्या काम करता है, वो कैसा इंसान है, वो उसने ज़िंदगी में कुछ किया है कि नहीं, वो फ्रेंडली है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम उसको पूरा जज पता है कैसे करोगे, उसका फेस कैसा दिखता है। अगर वो अच्छा नहीं दिखेगा तो तुम उसको ठीक से जज नहीं करने वाले, तो तुम्हें वो बुरा ही लगेगा। और अगर वो अच्छा दिखेगा तो बेशक वो जैसा भी इंसान हो, वो एक सीरियल किलर भी क्यों ना हो, तुम्हें वो अच्छा दिखेगा, और इस वजह से तुम सोचोगे कि ये कितना अच्छा इंसान है। तुम्हें अगर बात पे यकीन नहीं होता, बड़े सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें क्रिमिनल्स भी जो है वो बड़े सारे लड़कियों के मतलब एकदम ड्रीम बॉयज रहे हैं, ड्रीम मैन जिन पर फिक्शंस लिखी जाती थी, बिल्कुल वैसे रहे हैं। वीडियो के कमेंट्स में ये मत लिखना कि शर्टलेस क्यों हूँ, तुमने लिटरली इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो भाई आप इतना तो देख लो कि तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया तो इतना तो तुमने ट्रस्ट दिखाया ही है। जैसा भी बंदा आ जाए तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो कमेंट करके फ़ायदा नहीं है। पहली बात, लुक्स में आता क्या है? लुक्स में सिर्फ फेस नहीं आता, लुक्स में आता है तुम कितने लंबे हो, तुम चौड़े कितने हो, तुम्हारा फ्रेम कितना वाइड है, और एक और चीज़ आती है तुम्हारी फिजीक कैसी है। फ्रेम और फिजीक अलग होता है, फ्रेम होता है तुम कितने लंबे हो और कितने चौड़े हो, और फिजीक होता है एब्स वगैरह, और तुम्हारा ऑफ कोर्स फेस, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लुक्स में आती है। और अगर तुम इस बात से सहमत नहीं करते कि जो लुक्स है, अगर किसी बंदे के लुक्स अच्छे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, वो तब भी एक अच्छा इंसान है, तब भी उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, उसको लड़की मिलेगी, तो ऑफ कोर्स लड़की को सिर्फ पैसे पसंद होते हैं और कुछ पसंद नहीं होता। अगर तुम ऐसा सोचते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी ज़िंदगी में इन चीज़ों में सक्सेसफुल भी हो पाओगे। तुमने पहले ही कोप करना स्टार्ट कर दिया कि लड़कियों को ये चीज़ें मायने रही रखती, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। मुझे लगता है तुम लेवल अप कर सकोगे। पहले दिमाग में डाल दो लुक्स मैटर करते हैं। कितना करते हैं? बहुत करते हैं, ऑलमोस्ट 60-70% करते हैं। एक बंदे की पर्सनालिटी उसके लुक से ही आती है। अगर वो अच्छा नहीं दिखेगा तो वो उसके पर्सनालिटी एकदम बेकार है, अगर वो अच्छा दिखेगा तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बेशक वो असल में बेकार भी क्यों ना हो। तुमने देखा कितनी सारी लड़कियाँ बोलते हैं उनको नर्डी गाइस पसंद, उनको वो लड़के पसंद जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। वो असल में उन लड़कों को मेंशन नहीं करती जो कि पढ़ाकू होते हैं, वो उन लड़कों को मेंशन करती है जो कि अच्छे दिखते हैं और पढ़ाई में एकदम लीन होते हैं। जब एक लड़की बोलती है कि तुम उसे एथलेटिक गाइस पसंद है, वो उन एथलेटिक गाइस की तरफ इशारा कर रही होती है जो अच्छे दिखते हैं। जब लड़के कहती है कि उन्हें वो लड़के पसंद है जिनके कोई फ़ीमेल फ्रेंड्स ना हो, वो उन लड़कों की तरफ इशारा करते हैं जिनके फ़ीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारे हो सकते हैं। सच सच बताना, मैं इस वीडियो से मतलब तुम्हें ये नहीं बोल रहा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स बड़ी सारी चीज़ें तुम जिससे तुम उन्हें लुक्स इंप्रूव कर सकते हो, मगर इसके बारे में ऑब्सेस करने से भी कुछ नहीं होने वाला। बात यह है, जब तुम एक बार एक ट्रुथ एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें वो बिल्कुल कौड़ा खट्टा बिल्कुल नहीं लगता, जब तुम एक बार वो अपने दिमाग में डाल देते हो। ऐसी रियलिटीज़ जब तुम्हें एक अर्ली एज से पता चल जाती हैं, तो तुम जो क्या होते हो, दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हो, तुम्हें एक बेटर व्यू से लाइफ दिखती है। बेशक थोड़ा तुम्हें गलत भी लगे, तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन ऐसा सच में होता है। मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हें अपने लुक्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आजकल के टाइम पे मायने रखते हैं। पहले तो चलो उतने नहीं रखते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो इसलिए तुम्हें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। और ये बोल के नहीं कोप करना चाहिए कि ये काम नहीं आते कहीं पे, लुक्स काम नहीं आते। ऑफ कोर्स मतलब अगर तुम फल बेच रहे हो और तुम कोई ढंग का जॉब नहीं करते, तो ऑफ कोर्स लुक्स की कोई मतलब बिल्कुल भी वो तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐड ही नहीं कर रहे, तब उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक बार जब तुम 17-18 के ऊपर, जब तुम 25-26 के हो जाते हो, तब अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी जॉब नहीं है तो तुम्हें लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं करने वाले। बेशक तुम जितने भी चौड़े दिखते हो, जितने भी तुम लंबे हो, तुम्हें नहीं करने वाले रिस्पेक्ट। एक टाइम के बाद तुम्हें चाहिए ही होते हैं पैसे। लेकिन अगर तुम्हारे पास उस टाइम में पैसे हो भी ना, लेकिन तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम जज होने वाले हो।
इसलिए मतलब बात सिंपल सादी है कि जो आंख वो तुम्हारे दिमाग में भी जाता है बंदा कैसा दिख रहा है, इसलिए तुम्हें बाकी लोगों की आंखों की तरफ अगर लोगों की आंखों में अगर अच्छा दिखना है तो तुम्हें अपने लुक्स पे काम करना पड़ेगा और तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर तुम सोचते हो ऐसा नहीं हो सकता भाई, मेरी बाकी वीडियोस देखो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कैसे कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। प्लेलिस्ट तो नहीं है लेकिन बहुत सारी वीडियोस है और आगे भी आने वाली है, जिससे मैं हर एक चीज़ की तरफ जाऊँगा जिसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन जब तुम इसकी ऑब्सेस करते हो ना, जब तुम पूरा दिमाग ही डाल देते हो ना लुक्स की तरफ, तो बेशक तुम जितने भी अच्छे दिखते हो तुम थोड़े इनसिक्योर लगोगे और ये थोड़ा तुम्हारा चांस काटेगा, ये थोड़ा तुम्हारा चांस काटेगा, तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम एक सब फाइव की तरह जी रहे होंगे, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होगा और इस वजह से तुम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब तुम पहले कर सकते थे। होप कि तुम्हें समझ आएगा। अलविदा। Whatever.